हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम रस से भरी रस मलाई की बहुत ही टेस्टी, एकदम हलवा स्टाइल, एकदम सॉफ्ट रस मलाई की रेसिपी। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हम रस मलाई बनाकर तैयार करेंगे, तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने डाला है 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं भैंस का दूध यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो गाय का आया फिर भैंस का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको हमें इसी तरह चलाते रहना है। इसमें हल्का सा एक उबाल लाना है, यानी उबाल आते ही हमें गैस को कर देना है बंद। तो इसमें हमें उबाल आने देते हैं। तो जब तक हमारे दूध में उबाल आता है, यहाँ पर हम एक मिक्सचर बना कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून सिरका, इसमें डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून पानी। तो सिरके की जगह आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, बस इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लेंगे। और इसी तरह हम इसको चला लेना है थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट के बाद जो हमने सिरका और पानी का मिक्सर बनाया था, इस तरह चम्मच में भर कर हम इस तरह डालेंगे और उसको धीरे धीरे इसी तरह हम चलाते रहेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चम्मच पे पनीर जो है वो चिपकने लग चुका है, यानी दूध फट रहा है हमारा। तो दूसरी बार हम इसमें सिरका डाल रहे हैं, तो इसी तरह हम चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो दूध है वो फटना शुरू हो चुका है और ये लगभग पूरा फट चुका है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं पानी और जो पनीर है वो अलग हो चुका है बिल्कुल। तो बस अब हम सिरका डालना बंद करेंगे। तो अब इस छेने को हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल पर मैंने छलनी रख दिया इस तरह, और इसके ऊपर रख दूंगा मैं इस तरह का एक सूती कपड़ा। और इस कपड़ा हमें ऐसा लेना है जिसके आर पार पनीर जो है आसानी से उसका पानी निकल जाए। तो इस तरह मैं जो पनीर हमने फाड़ा था, यानी दूध जो हमने फाड़ा था, वो इसके अंदर डाल देंगे। और दूध डालने के बाद इसके ऊपर डालूंगा मैं एकदम ठंडा पानी। तो ये फ्रिज का पानी है, तो इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। इससे पनीर हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा और इससे जो खटास है सिरके की वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगा पानी डालते हुए। तो अब इसके चारों कोनों को, यानी कपड़े के चारों कोने को मैं इस तरह पकड़ूंगा और इस तरह इसको निचोड़ दूंगा, यानी इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा हमें निकाल देना है, जितना हम निकाल सके। तो इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है। तो अब इसको हमें रख देना है साइड में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हम ठंडा होने देंगे अच्छी तरह। तो जब तक हमारा पनीर सेट होता है, हम यहाँ पे रसमलाई बनाकर तैयार कर लेते हैं, यानी कि रसमलाई की मलाई जो होती है, जो भी है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध एक कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। तो इसी में भी हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरह उबाल आने देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, तो इसके अंदर डालूंगा मैं लगभग 1/4 टीस्पून केसर फूड कलर, आप चाहें तो पीला कलर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, बाद में इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगा, उससे एक बहुत ही अच्छा कलर देगा हमारा जो दूध है, बहुत अच्छा कलर का हो जाएगा, यानी एकदम पीले कलर का। इसको मैं इसी तरह लगभग 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लूँगा, यानी कि लगभग टोटल 8 मिनट के मैंने इसको उबाल लेना है। तो दोस्तों, लगभग 8 मिनट के लिए मैंने इसको उबाल दिया। अब आप इसका कलर देख सकते हैं दूध का। इसमें मैंने बीच में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया था, इससे इसका कलर जो है एकदम पीला हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/3 कप चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं, तो आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगा मैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और इन सभी को मैं अच्छे से कर दूंगा मिक्स, और इसमें एक उबाल आने तक अच्छे से इसे पका लूँगा। चीनी को हमें अच्छे से घुलने तक पका लेना है, उसके बाद हमें एक उबाल आने तक इसको और पका लेना है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हमारी रसमलाई जो है बनके तैयार होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, रसमलाई हमारी रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को अब हमें कर देना है बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा जो छेना है वो भी रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक परात में, यानी बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे, और इसको मैं हाथों से इस तरह मैश कर लूँगा अच्छे से,
और इसको तोड़ लूँगा और इसको क्रम्बल कर लूँगा और इस तरह हथेली की सहायता से मसल मसल के लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको चिकना होने तक इसी तरह गूँथ लूँगा। आप देख सकते हैं इसी तरह हथेली की सहायता से इसको मसलते जाना है। इससे हमारा जो पनीर है एकदम चिकना हो जाएगा और इसके जो बारीक बारीक दाने हैं वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरह हम इसको लगभग 10-12 मिनट के लिए मसल लेना है। तो दोस्तों बीच में लगभग 4-5 मिनट बाद मैंने इसको मसलते हुए इसको छोड़ दिया। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 1 चम्मच मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको फिर से मैं इसी तरह मसल मसल के चिकना कर लूँगा लगभग 6-7 मिनट के लिए। तो अब इसको मैंने मसल मसल के अच्छे से लगभग मैंने इसको 12 मिनट के लिए इसी तरह मसल लिया था। तो आप चाहें तो इसे सरफेस पर भी मसल सकते हैं, यानी किसी जो पट्टी वगैरह सरफेस होते हैं किचन में उस पर भी मसल सकते हैं इसको अच्छे से, और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब इसको मैं इस तरह टुकड़ों में तोड़ लूँगा, यानी इसके अलग अलग डिवाइड कर दूँगा पार्ट। तो इस तरह रोल करेंगे और इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम एक डो लेंगे इसका और इस तरह हम इसको गोल कर देंगे पहले हाथों से, और हाथों की सहायता से हम इसको एक यानी जो फ्लैट रसगुल्ला होता है इस तरह का हम इसको शेप दे देना हाथों की सहायता से घुमाते हुए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का, तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके पनीर में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसको फिर से एक बार मसल मसल का चिकना कर लें 2-3 मिनट के लिए। तो अब चलते हैं रसगुल्ले बनाने। तो उसके लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप चीनी, और इसमें डाल दूंगा मैं 4.5 कप पानी। तो अब इस चीनी को घोलने तक और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने तक हमें इस तरह इसको चलाते हुए पका लेना है। तो अब इसको मैं ढक दूंगा बीच में ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो शुगर सिरप है उसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम हमारे फ्लैट वाले रसगुल्ले, जो अभी बने नहीं है वो अभी पेड़े हम इनको बोल सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे पेड़े इसमें डाल दूंगा। तो सारे के सारे पेड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसी तरह मैं इसको लगभग 7-8 मिनट के लिए इसी तरह मैं इसको उबलने दूंगा हाई फ्लेम पर। तो आप चाहे तो इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिना कवर करे इसी तरह उबाल रहा हूँ। तो लगभग 8 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने फूल कर तैयार हो गए, यानी ये दुगने हो गए हैं साइज में। तो अब मैं इस तरह इनको पलट दूंगा, आप देख सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों इनको हमें सावधानी से पलटना है, ध्यान से, ये टूटने नहीं चाहिए। तो दोस्तों इन सभी को मैंने पलट दिया है अच्छे से। तो अब मैं इसको लगभग 3-4 मिनट के लिए और बॉइल कर लूंगा। तो दोस्तों लगभग 3-4 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल कर लिया है। तो मेरे रसगुल्ले वो रेडी हो चुके हैं लगभग। तो दोस्तों अब इन रसगुल्लों को मैं इस तरह निकाल लूँगा, और निकालने के बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैंने लिया है ठंडा पानी, और इसमें डाल दिया कुछ बर्फ़ के क्यूब्स, और इस तरह मैं इनको सभी पेड़ों को यानी रसगुल्लों को निकाल कर इस तरह डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रसगुल्ले हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और ये टूटने का डर इसमें नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों अब इसको मैं रख दूंगा लगभग 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। तो दोस्तों अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले अच्छे हो गए हैं, तो अभी इसमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इस तरह हम हथेली पर रसगुल्लों को रखेंगे और इस तरह हम इसको दबा देंगे हल्का सा, इसका सारा रस है वो निकाल देंगे, और इनको मैं रख दूंगा इस तरह एक बाउल में। तो सारे रसगुल्लों को इस तरह प्रेस करके इसका पानी निकाल के इनको हमें बाउल में रख देना है। तो दोस्तों रसगुल्लों को मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम हमारी मलाई या फिर रसमलाई जो भी है। तो जो हमने बनाई थी रसमलाई जो है वो ठंडी हो चुकी थी, रूम टेम्परेचर थी। तो दोस्तों अब इनको मैंने रसमलाई में डिप कर दिया है। अब इसको मैं लगभग 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा, और इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगा। तो इसको हम डायरेक्ट अब फ्रिज में रख देंगे लगभग 3 घंटे के लिए। तो दोस्तों लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई जो है फूल गई है,
रसमलाई ने सारा रस जो है वो पी लिया और पी के फूल गई है इस तरह। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम हलवाई स्टाइल हमारी रसमलाई जो है बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।